न्याय की उम्मीद में न्यायालय की ओर टकटकी लगाई नियोजित शिक्षकों को सोमवार को तारीख मिली थी। अब इस केस में अगली सुनवाई 29 अगस्त को की जाएगी। दरअसल यह चलन है कि अवकाश के बाद कोर्ट जब खुलता है तो उस दिन किसी न्यायाधीश, वकील या फिर अन्य न्यायिक कर्मी की मृत्यु पर शोक प्रकट कर कोर्ट की कार्यवाही खत्म कर दी जाती है। बता दें कि सोमवार को बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए बनी गई नियमावली को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी थी। अब 29 अगस्त 2023 को इस मामले पर राज्य सरकार अपना जवाब देगी। राज्य सरकार पर कई सवाल उठे हैं। नई नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, यानी नियमावली पर शिक्षक संघ या संगठन के साथ राज्य सरकार ने बैठकर विचार करने की जरूरत नहीं समझी। यह नियोजित नहीं है। प्राथमिक शिक्षक प्रधानायापक के मामले में नई नियमावली लाई गई थी। इस नियमावली को भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया था। नतीजा उच्च न्यायालय का फैसला सरकार के विरुद्ध आया है। ऐसा इसीलिए कि इस नियमावली को संघ या संगठन के सामने नहीं रखा गया था। अब बीपीएससी से जो भी परीक्षा होती है उसका पे ग्रेड 6500 रुपये है। यह लेवल 8 की परीक्षा होती है, पर शिक्षकों की बहाली को लेकर यह पे ग्रेड नहीं है। जब भी कोई नई नियमावली बनती है तो पुराने शिक्षक को एडजस्ट किया जाता है या फिर 50% रिक्तियां इनके लिए सुरक्षित रखी जाती है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लेकिन इस नई नियमावली में यह प्रावधान नहीं है। वर्ष 2011 के बाद एसटीईटी की परीक्षा नहीं हुई है। इसे नए लोगों की हक मारी बताया जा रहा है। खासकर कला संख्याए के शिक्षक वर्ष 2019 में जो परीक्षा ली गई थी उसके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि यह परीक्षा प्रतियोगात्मक है, फिर इन्हें बीपीएससी परीक्षा क्यों? जो लोग पीजीटी, टीजीटी या एमएड या बीएड या अन्य डिग्री है उसके वेतन के लिए कोई आयोग वेतन के लिए नहीं गठित हुआ है। सो शिक्षकों का वेतन ना तो कोई पे स्केल है और ना ही पे ग्रेड है। बिहार राज्य माध्यमिक संघ के उपाध्यक्ष सुरेश राय की मानना है कि सरकार की नई शिक्षक नियमावली त्रुटियों से भरी पड़ी है, इसीलिए संघ ने सरकार के दोषपूर्ण नियमावली के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर की है। इस चुनौती का सबसे जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि नियुक्ति के लिए सरकार नई नियमावली लाकर सरकार क्लास के बीच क्लास खड़ी कर रही है, यानी एक ही सरकारी स्कूल में 3 तरह के शिक्षक है, यह असंवैधानिक है। इसके अलावा 7 और 8 अनुच्छेद के लिए भी चुनौती पेश की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि याचिका दायर करने के बाद न्यायालय से स्टे मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों के लिए यह निर्णय सकारात्मक प्रभाव से करा है। स्टेट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्लस 2 टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन अधिवक्ता कृत्यानंद चौधरी याचिकाकर्ता में से एक हैं। इनका मानना है कि शिक्षक नियोजन को लेकर लाई गई नियमावली गड़बड़ियों से भरी पड़ी है और गैर कानूनी है। याचिका की सुनवाई के पहले सरकार की तरफ से संशोधन लगातार आ रहे हैं। कल ही सरकार की तरफ से संशोधन आया है कि सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है उसे ऐड किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण खामियां जिनमें नई नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं रखना है, ये एक बड़ी गलती है। एक उदाहरण भी है कि पिछले दिनों प्रधानायापक की नई नियमावली इसीलिए रद्द कर दी गई कि इस नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया था। आपको बता दें कि एक बार लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तब भी अनट्रेंड टीचर की बहाली की नियमावली को रद्द कर दिया गया था। मुझे तो लगता है कि सरकार बहाली ही नहीं करना चाहती है, इसीलिए नियमावली में त्रुटियां भरी पड़ी है। ऐसा इसीलिए कि सरकार की तरफ से मेरे साथ साथ कुछ और लोगों को बुलाकर वार्ता की थी, पर जिन त्रुटियों पर ध्यान दिलाया गया है वो त्रुटि
जैसी की वैसी ही पड़ी है। तो आपको बता दें कि कोर्ट खुलने के बाद शिक्षक नियोजित को नियमावली को लेकर सुनवाई होनी थी, जिस पर राज्य सरकार से कई जवाब मांगे होंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या राज्य सरकार इन सारे सवालों का जवाब दे पाती है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।